हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना टमाटर के छोले। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 कप छोले ले लिए हैं। छोलों को हम 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धोएंगे। 7 से 8 घंटे के लिए हम इसे भिगो देंगे। अगर आपने दोपहर में बनाने हैं तो रात में ही इसे भिगो दें। मैंने भी इसे रात में भिगो दिया था। छोले हमारे अच्छे से फूल गए हैं। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोलों को बॉइल करेंगे। बॉइल करने के लिए कुकर में हम छोले डाल देंगे। थोड़ा सा हम पानी और डाल देंगे। छोलों से 1 से 1.5 इंच ऊपर पानी हो, इतना पानी हमने डालना है। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। खड़े मसाले डालने से छोलों में फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1 पिंच हम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसे गैस पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। 1-2 विसल आने के बाद 20 से 25 मिनट इसे लो फ्लेम पर रखें। छोले हमारे बॉईल होकर रेडी हो जाएंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। अब हम इसका तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें लंबे कटे हुए प्याज डाल देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज का यूज़ किया है। प्याज को हम भून लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और 2 हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च ले ली हैं। लाल मिर्च डालते समय लाल मिर्च के बीज निकाल दें, इससे मिर्चों का तीखापन कम हो जाता है। प्याज के साथ अदरक और लहसुन को भी हम पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज पर एक बढ़िया पिंक सी कोटिंग आ गई है। इस स्टेज पर हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे, जिससे कि प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और लाल मिर्च भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढककर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी सूख गया है, प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और लाल मिर्चें भी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे और ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। बिना टमाटर के बढ़िया से छोले बनाने के लिए ये मैंने 2 बड़े चम्मच दही ले ली है। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे सब्जी में कलर बढ़िया आता है। अब हम इसमें किसी भी ब्रांड का छोले मसाला या फिर किचन किंग मसाला आपके पास अवेलेबल है तो वह भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालें। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बढ़िया से छोले बनाने के लिए ये बढ़िया सा मसाला हमारा रेडी है। सेम कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए 1-2 पिंच हींग डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। अब हम ऑयल में 1/2 छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। इस पॉइंट पर कश्मीरी मिर्च डालने से सब्जी में कलर बढ़िया आता है। मिक्स करेंगे और अपना ग्राइंड किया हुआ हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम मसाले को भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ही मसाले को हम भूनेंगे। प्याज और अदरक लहसुन को हमने ऑलरेडी भुना हुआ है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा भुन गया है और यह क्वांटिटी में कम भी हो गया है। इस स्टेज पर हमने जो दही वाला मसाला रेडी किया है वह डाल देंगे। दही वाला मसाला डालने से पहले गैस की फ्लेम को लो कर लें ताकि दही हमारा फटे नहीं। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। दही डालने के बाद आपने इसे कंटिन्यू चलाना है, इस बात का ध्यान रखें, जब तक दही मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है और ऑयल भी लूज आउट हो गया है। मसाला हमारा रेडी है। जितना हमारा मसाला अच्छा भुना होगा उतनी ही सब्जी टेस्टी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी लूज आउट हो गया है। अब हम इसमें अपने बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे। मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसे मैश कर देंगे ताकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी गाढ़ी बने। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले में छोले को हम ऐसे ही भुनने देंगे।
और इसे थोड़ा सा हम प्रेस भी कर देंगे। अब हम इसमें बाकी के छोले और छोले वाला पानी भी डाल देंगे। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे, गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आने लगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे ढककर लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। छोले तो फ्रेंड्स आप बनाते ही होंगे, एक बार बिना टमाटर के या छोले की सब्जी ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले हमारे रेडी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिना टमाटर के कितने बढ़िया छोले हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये बाद में गाढ़े भी हो जाते हैं। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद ये बहुत ही गाढ़े हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। ये पहले से कितने गाढ़े हो गए हैं। अदरक के लच्छे और बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ हम इसे गार्निश कर देंगे। मैं इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करूँगी। बॉइल्ड राइस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप रोटी, परांठा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, बिना टमाटर के छोले की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।